हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइव एजुकेशन जीके में। दोस्तों, मैं आज बात बताऊंगा आप लोगों को कि नाबालिग जायज़ अथवा नाजायज़ संतान का पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है। नाबालिग मतलब कि जो बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र की हो, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, कब अपने पिता से 125 CRPC के तहत भरण पोषण की मांग कर सकता है, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पुत्र पुत्री जायज हो अथवा नाजायज हो, अपने पिता की संपत्ति में वह बराबर का हक रखता है। यह बात उत्तराधिकार अधिनियम भी हमें बताता है, लेकिन जन्म से कानूनी अधिकार उसे प्राप्त होता है। अगर कोई पिता अपनी परवरिश जन्म से बालिग तक नहीं करता है, तो भरण पोषण की मांग न्यायालय द्वारा कर सकता है। यानी कि अगर कोई पिता अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर रहा है जन्म से, तब वह न्यायालय में जा कर के अपना भरण पोषण की मांग कर सकता है CRPC के तहत। चाहे वह पुत्र जायज हो या नाजायज हो, कोई भी हो अपने मांग कर सकता है। पुत्र हो पुत्री दोनों कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 सुवर्ण की धारा ख की परिभाषा की अगर बात करें, तो प्रत्येक व्यक्ति पर अपने जायज एवं नाजायज पुत्र पुत्री के भरण पोषण का दायित्व होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने इस दायित्व को जानबूझकर अनदेखा करता है, तो वह नाबालिग पुत्र पुत्री न्यायालय के माध्यम से अपने कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यानी समझिए इसको, अगर कोई पिता अपने पुत्र को, पुत्री हो चाहे पुत्र हो, उसको भरण पोषण नहीं देता है, यानी उसको पालता पोसता नहीं, उसको खर्चा पाई नहीं देता है, तो वह कोर्ट के माध्यम से जा कर के मुकदमा कर सकता है 125 CRPC के तहत। चाहे वह जायज हो या नाजायज हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नाबालिग होना चाहिए। इस संबंध में पंजाब उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि पिता अपनी नाबालिग संतान को अपने साथ रखना चाहता है, तो वह सिविल न्यायालय में वाद दाखिल करके न्यायालय अभिरक्षा की मांग कर सकता है। जैसे इस मामले में पंजाब उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि अगर पिता को नाबालिग संतान को अपने पास रखना है, तो वह कोर्ट में सिविल का वाद दाखिल करके अपने साथ न्याय अपने अभिरक्षा में रख सकता है। परंतु जब न्यायालय सिविल न्यायालय हक उसके हक में संतान की अभिरक्षा का आदेश नहीं जारी करता है, तब तक पिता अपनी संतान को भरण पोषण करने के लिए बाध्य होगा, चाहे वह संतान अपनी इच्छा से हो या ना हो। माता के साथ रहे तो अभी भरण पोषण पिता ही कर सकता है।